हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मोहक इंस्टीट्यूट में। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 4, जहां पे हमें सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से, क्लास 9 की बुक, RS अग्रवाल, V अग्रवाल। गिवन है फ्रेंड्स यहां पे 81/16 की होल पावर -3/4 इंटू में 25/9 की होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की होल पावर 3। इसको ब्रैकेट में रखा गया है, पहले हमें डिवाइड करना है, इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना ये है, ये जो -3/4 इसकी पावर में है, तो इसे फ्रेंड्स हमें सॉल्व करने के लिए ये करना होगा कि 81/16 को हमें इस फॉर्म में लिखना होगा कि उसकी होल पावर 4 हो जाए, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये 3 पावर में बचेगा। तो वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हमें इजीली, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन की, तो ये हमें इजीली फाइंड करना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 4। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये दो डिजिट ऐसे ढूंढ लिए जिसकी पावर 4 करेंगे तो हमें 81/16 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये -3/4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे इंटू एज इट इज़ रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर का भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं जिसकी पावर 2 हो, है ना, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2/9। 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, होल पावर -3/2 एज इट इज़ कर देंगे। इसके बाद से डिवाइड है, 5/2 की होल पावर है -3। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर अगर हमें प्लस में करनी है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 की पावर 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीज़न भी दे सकते हैं कि जब a/b की पावर -m होता है देन क्या हो जाता है, b/a और पावर प्लस में हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। इसके बाद से 3/2 की होल पावर 4 हम लिख सकते हैं जब पावर सेम है, तो 3/2 की होल पावर 4। अब यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/4। यहाँ पे भी हम रीज़न दे सकते हैं, जब a/m/b/m होता है तो क्या हो जाता है, a/b की होल पावर m। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और एक और रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब a/n की होल पावर m है तो क्या हो जाता है, a/n(m) हो जाता है। ये दो रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, इसके बाद से इनटू हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, दोनों की पावर जो है 2 है तो 5/3 की होल पावर हम 2 लिख देंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड है इसकी जगह क्या हो गया, इनटू, देन 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। या तो हम इसको एक स्टेप में इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/5 की पावर -1 इसका रेसिप्रोकल करना है और की होल पावर यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया है, देन यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3 जो कि माइनस का रहेगा, 3/2 की होल पावर -3। इसके बाद से इनटू हो जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, -3 × 1 करेंगे आ जाएगा -3, तो 5/3 की होल पावर -3 आ चुका है, इनटू में 2/5 की होल पावर -1 इनटू 3 करेंगे तो आ जाएगा -3। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 की पावर है -3, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 इनटू हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे, इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम चीज़, 5/3 की पावर है -3, पावर को प्लस में करना है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करना होगा, 3/5 की होल पावर 3 ये हो गया। इसके बाद से इनटू एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे सेम पावर माइनस में है, हमें पावर को प्लस में करना है तो रेसिप्रोकल करना होगा, 5 अपॉन
टू की होल पावर माइनस सॉरी थ्री हो जाएगा, पावर प्लस में हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपल हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम ब्रैकेट ओपन करके भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टू की पावर थ्री डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट अपॉन में थ्री की पावर थ्री 27 इंटू में थ्री की पावर थ्री 27 अपॉन में फाइव की पावर थ्री 5 इंटू फाइव 25 और 25 इंटू फाइव 125 इंटू में फाइव की पावर थ्री 125 अपॉन में टू की पावर थ्री 8। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू की पावर थ्री है अपॉन में थ्री की पावर थ्री है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे थ्री की पावर थ्री अपॉन में फाइव की पावर थ्री, इस तरह से इंटू फिर से फाइव की पावर थ्री अपॉन में टू की पावर थ्री। दोनों में से हम फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 से 27 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया और 125 से 125 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1 इंटू वन अपॉन में 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, 2 की पावर 3 से ये 2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया और 3 की पावर 3 से ये 3 की पावर 3 कैंसिल हो गया और सब मिला के यहाँ पे 1 आ गया। ओके फ्रेंड्स दोनों ही मेथड सही हैं, किसी भी मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कंप्लीट सॉल्यूशंस फ्रेंड्स इस तरह से आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।